हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में, या जिनको इन शॉर्ट कहते हैं मैलवेयर। मैलवेयर क्या होते हैं? एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और इनमें क्या क्या आते हैं? तो देखिए, इनमें आते हैं हमारे वायरसेस, जैसे लोग कहते हैं हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। वॉर्म्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। इसके अलावा बॉटनेट, रूट किट। इसके अलावा स्पूफिंग क्या होती है? फिशिंग क्या होती है? जैसे आपके सिस्टम हैक हो जाते हैं तो हैकिंग क्या होती है? हैकर्स कितने टाइप के होते हैं? ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर्स एंड ऑल। सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की कंप्यूटर लेक्चर्स की सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट, DBMS, लॉजिक गेट्स एंड ऑल। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज के में हम डिस्कस करेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर उन वीडियोस को जाकर के देख ले, ताकि कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैलवेयर के बारे में। देखिए, मैलवेयर क्या होता है? आपका मैलवेयर दो वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? दो वर्ड से बना है। कौन कौन से? पहला वर्ड है मैल और दूसरा वर्ड है वेयर। मैल का वर्ड मतलब होता है मैलिशियस, ठीक है? मैल को हम कहते हैं मैलिशियस। एंड वेयर वर्ड आता है आपके सॉफ्टवेयर से, ठीक है? तो अब देखिए, मैलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी ऐसी चीज जो कि नुकसान पहुंचाए, यानी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम कहेंगे मैलवेयर्स, ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके? वायरस क्या है? वायरस क्या है? एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक? तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले वायरस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे वॉर्म्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो देखिए, वायरस क्या होता है? वायरस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसको अगर आप ट्रिगर करो तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और आपके सिस्टम में नुकसान पहुंचाएगा, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है या फिर आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? वायरसेस को ट्रिगर करना पड़ता है, ठीक है? वायरसेस को क्या करना पड़ता है? ट्रिगर करना पड़ता है। अगर सबसे फेमस वायरस की बात कर ले तो जो सबसे फेमस वायरस है उसका नाम है मेलिसा, ठीक है? कई बार क्वेश्चन बना है मेलिसा क्या है, तो मेलिसा एक टाइप का वायरस है। मेलिसा क्या है? एक टाइप का वायरस है। 1996 में आया था, बहुत फेमस था ये। इसके अलावा जो सेकंड नंबर का सबसे फेमस वायरस है वो आपका है आई लव यू, ठीक है? ये टाइप का क्या था? एक ईमेल बॉम्ब टाइप का वायरस था। मतलब इसमें आपका एक तरीके का वैलेंटाइन डे कार्ड होता है आई लव यू वायरस में, यानी आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल में आई लव यू कार्ड होगा जिसको आप ओपन करोगे। क्यूरोसिटी में सब जने ओपन कर लेते हैं, तो आपको भी आपने भी ओपन कर लिया, और जैसे ही आपने ओपन किया आपके सिस्टम में ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर होते ही आपके सिस्टम में वायरस फैल जाएंगे, ठीक है? तो ये भी अपने आप में बहुत फेमस वायरस आया था जिसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। सबसे ज्यादा फैलने वाले वायरस इसमें आपका मेलिसा नाम आता है, सेकंड आपका बनता है आई लव यू। ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं आपके सिस्टम में, नॉर्मली बेसिस पर आपने देखा होगा न्यू फोल्डर वायरस। कौन सा? न्यू फोल्डर। इसमें क्या होता है आपका? आपके हर सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बन जाता है न्यू फोल्डर के नाम से, क्योंकि हमें पता है हमको नया फोल्डर होगा। हमने जैसे इस पर क्लिक किया वैसे ही हर सिस्टम के अंदर एक नया फोल्डर, हर सिस्टम के अंदर या तो सेम नाम से एक और फोल्डर आ जाता है या फिर न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर बनने लगते हैं, और इनको क्लिक करने पर होता कुछ नहीं है, ना ही ओपन होते हैं। तो ये भी एक तरीके के क्या है? आपके वायरसेस हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे वॉर्म्स की। तो देखिए, वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म्स को स्पेलिंग होती है WORM, WORM। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा राइट वंस रीड मैनी, ठीक है? वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, यानी एक ऐसे प्रोग्राम्स जिनको आप केवल एक बार लिख दोगे और ये बार बार रीड किए जाते हैं। यानी वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खुद की रेप्लिकेट कर लेते हैं। वायरसेस में हमें ट्रिगर चाहिए था, पर वॉर्म्स में हमें ट्रिगर नहीं चाहिए। ये अपने आप की खुद की कॉपीज बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और पूरे के पूरे सिस्टम को आपके क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे।
जैसे वायरसेस में क्या होता था, आपने ट्रिगर किया, यहाँ पे ट्रिगर नहीं करना है, ये अपने आप से फैल जाएंगे। तो देखिए सबसे फेमस वॉर्म्स कौन सा है आपका, स्टक्सनेट। अब एक बार इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता देते हैं, वायरसेस में और वॉर्म्स में। वायरसेस में वायरस के जो फोल्डर है या जो exe होती है उसे हमें क्लिक करना पड़ता है, क्लिक करने को ही हम कहते हैं ट्रिगर करना। जैसे कोई गन ले ली जाए, गन में गोली है, पर गोली तभी निकलेगी जब हम उसके ट्रिगर को प्रेस करेंगे। यानी वायरसेस में क्या होता है, कोई अगर फोल्डर है तो फोल्डर को आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही ये आपका एक्टिवेट होगा और आपके सिस्टम को नुकसान करना शुरू कर देगा। पर वॉर्म्स क्या होते हैं, ये सेल्फ एप्लीकेटिंग फाइल्स होती हैं, ये अपने आप की खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देती हैं, लगातार बनाती जाती हैं, इन्हें क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। यानी आपने पेन ड्राइव लगाई और उसमें वायरस था, आपने फॉर्मेट कर दिया तो वायरस चला गया, बट अगर आपने पेन ड्राइव लगाई उसमें वॉर्म्स था तो आपको फॉर्मेट भी नहीं करना है, पेन ड्राइव लगाते ही ये अपने आप की कॉपीज रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। रेप्लिकेट करना यानी डुप्लीकेट कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। ये था बेसिक डिफरेंस वायरस और वॉर्म्स के बीच में। अब हम बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स के बारे में। देखिए ट्रोजन हॉर्स में, ट्रोजन तो ठीक है, हॉर्स का मतलब क्या होता है? देखिए हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, तो ये नाम कहां से आया, तो उसके पीछे एक कहानी है। तो चलिए उस छोटी सी कहानी को समझ लेते हैं। था क्या, एक साम्राज्य था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सुरक्षित था, कहीं से भी कोई भी इसमें एंट्री नहीं कर सकता था। पर जो अपोजिशन वाला एक राजा था इस पे अटैक करना चाहता था। क्या करना चाहता था, अटैक करना चाहता था। अब ये अटैक करे तो करे कैसे, पूरी इतनी टाइट सुरक्षा थी। इसने क्या किया, अटैक करने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बना दिया, ठीक है, बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बना दिया, कुछ ऐसा ही कुछ घोड़ा बना दिया चार पैर वाला, जिसके नीचे की तरफ क्या कर दिया, एक यहाँ पे गेट लगा दिया। गेट के अंदर क्या कर दिया, उसने अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट सैनिकों को भर दिया। उसके बाद एक व्यापारी चूज किया, ठीक है, एक व्यापारी जो कि यहाँ के राजा के पास गया और कहता है कि सर मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपके यहाँ बिजनेस करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने यहाँ बिजनेस करने दे, मैं आपके लिए गिफ्ट में एक घोड़ा लाया हूँ लकड़ी का, ठीक है। तो राजा खुश हो जाता है, उसको कहता है ठीक है तुम आओ और आकर के बिजनेस करो और इस घोड़े को हमारे गेट के अंदर ला करके हमारे महल के सामने खड़ा कर दो हमारी शोभा में। तो देखिए यहाँ पे इस व्यापारी ने फेक आइडेंटिटी करी, फेक आइडेंटिटी यानी बेसिकली क्या था, वो व्यापारी नहीं था, वो इस राजा का जासूस था, ठीक है, या सेनापति टाइप का था या जासूस था, ये यहाँ पे फेक आइडेंटिटी लेकर के गया था। यही होता है आपका ट्रोजन हॉर्स में। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, कोई पर्सन फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आपके पास आता है और आपको नुकसान कर देता है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये घोड़ा रात में चला गया अंदर, तो रात में ये गेट खुला, सारे सैनिक बाहर आए और देश पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ये महल को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ठीक है, यहां अंदर से सारे गेट खोल लिए गए और सुरक्षा में भेद कर दिया गया। इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, फेक आइडेंटिटी करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर्स कुछ और है, आप उन्हें धोखे से इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद ये आपके यहाँ बैकडोर ओपन कर देते हैं, ठीक है, क्या ओपन कर देते हैं, बैकडोर ओपन कर लेते हैं, जिससे आपके सिस्टम में और भी बहुत सारा लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो अगर सबसे फेमस ट्रोजन हॉर्स का नाम पूछा जाए तो देखिए नाम से ही क्लियर हो जा रहा है पहला कौन सा है, बैकडोर। जो सेकेंड नंबर का सबसे फेमस ट्रोजन हॉर्स है उसका नाम है DDoS, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये बहुत फेमस आपके ट्रोजन हॉर्स है। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फेक आइडेंटिटी रखने के बाद आपके सिस्टम पे आते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं या मैलवेयर्स हैं, तो चलिए देख पे बात करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है की लॉगर। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे की लॉगर। की लॉगर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी कीबोर्ड की सारी कीज के रिकॉर्ड रखते हैं और जिसने डाला होता है उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं।
सपोज किसी ने आपके सिस्टम में की लॉगर डाल दिया, तो ये आप जितनी भी कीज कीबोर्ड से प्रेस करोगे उसी को उसी ऑर्डर में सेव करके डालने वाले के पास सेंड कर देगा। सपोज आपने दिन में कभी भी @123 आपका करके लिखा होगा, तो आप खुद बताइए अगर आप @ के बाद अगर आप जीमेल लिखते हो, आपने अगर @ के बाद जीमेल लिखा है तो ये आपकी क्या हुई, आईडी हुई। उसके बाद जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आपका क्या हुआ, पासवर्ड। यानी आप बेसिक तौर समझ गए, किसी ने की लॉगर्स के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू आपके पासवर्ड वगैरह को चुरा लिया। तो इसी से बचने के लिए आपको कहा जाता है वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करने के लिए। क्या कहा जाता है, वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करने के लिए, कि कभी भी आप जब भी OTP टाइप करिए या पासवर्ड टाइप करिए तो नीचे क्या होता है, एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, यानी माउस से आप क्लिक कर करके अपने पासवर्ड को डालिए। कभी भी कीबोर्ड से टाइप करके मत डालिए, अदरवाइज अगर की लॉगर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ तो आपके पासवर्ड किसी के भी पास जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है की लॉगर। तो अब हम बात करते हैं बॉटनेट की। बॉटनेट क्या होता है, देखिए बॉटनेट अगर हम वर्ड लिखें, ठीक है, अगर हम वर्ड लिखें बॉटनेट, तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड आता है बॉट और दूसरा वर्ड आता है नेट। बॉट वर्ड निकला है हमारे रोबोट से, किससे निकला है, रोबोट से, और नेटवर्क निकला है हमारा नेटवर्क से। ठीक है, तो अगर मिला करके देखा जाए तो रोबोटिक नेटवर्क्स, यानी बॉटनेट क्या होता है, कंप्यूटरों का कुछ ऐसा नेटवर्क्स होता है या कुछ लोगों का ऐसा नेटवर्क्स होता है जो कि कंप्यूटर को यूज करते हैं, जिनका काम ही क्या होता है, मैलिशियस एक्टिविटीज को कंडक्ट करना, यानी किसी भी तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाना। यानी एक ऐसा नेटवर्क्स जिनका काम है लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, उनको हम क्या कहते हैं, बॉटनेट। तो अब बॉटनेट के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवेयर की। एडवेयर क्या होता है, देखिए भाई एडवेयर जो है ये दो शब्दों से बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, पहला है एड और दूसरा है वेयर। एड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एडवर्टीजमेंट की तरह से आते हैं और जबरदस्ती आपके सिस्टम्स पे चलने लगते हैं। आप जैसे देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स को आप देखते हैं, उस वेबसाइट्स पे कॉर्नर में एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि आप जब तक उस पर क्लिक नहीं कर लोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि एडवर्टीजमेंट के नाम पर आते हैं और आपके सिस्टम को स्लो करते हैं, इसके अलावा आपके सिस्टम्स में डेटा को चोरी करने का काम करते हैं, इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा टाइम को खाते हैं, तो ये सारे काम करने वाले मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को इन शॉर्ट हम रखते हैं एडवेयर की कैटेगरी में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मैलिशियस में आते हैं, जिनका नाम है स्पाईवेयर। ठीक है, जिनका क्या नाम है आपका, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब देखिए अगेन स्पाई करने वाले सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, जो कि आपके सिस्टम की सारी खुफिया इंफॉर्मेशन को चुरा करके कहीं सेंड कर देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या हो गया आपका, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चुरा करके कहीं सेंड कर देते हैं, मेल कर देते हैं या ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्पाईवेयर। तो अभी तक हमने बात कर ली वायरसेस की, वॉर्म्स की, ट्रोजन हॉर्स की, बॉटनेट की, स्पाईवेयर की और एडवेयर की। इसके अलावा एक वर्ड और आपका बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम कहते हैं रैंसमवेयर। क्या कहते हैं हम, रैंसमवेयर। देखिए रैंसम का मतलब क्या होता है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। क्या होता है वर्ड, फिरौती। फिरौती का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फिरौती मांगने का काम करें उनको हम कहते हैं रैंसमवेयर। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होने लगेगा, जिस मैसेज पे लिखा रहेगा आप हमको फर्दर अकाउंट में दिस अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपके सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज सिस्टम आपका हैक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं रैंसमवेयर। एक बहुत फेमस रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिसमें एक हॉस्पिटल के डेटा को हैक कर लिया गया था एंड वहां पे नोटिस आने लगी थी कि आप डिस अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर लीजिए वरना आपके हॉस्पिटल का डेटा हैक रहेगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। उस हॉस्पिटल में सारे के सारे पेशेंट्स का डेटा, सारे डॉक्टर्स का डेटा, सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, किसकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो सब के सब ऑनलाइन था। और अगर आप सोचिए कि कोई पेशेंट ICU में है और अगर 24 घंटे 48 घंटे तक पता ना चले कि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन से उसका क्या रिकॉर्ड चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा। उस चक्कर में बहुत सारी मौतें भी हुई थी और बहुत सारे पेशेंट्स को इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इस टाइप के अटैक को हम क्या कहते हैं, रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर में क्या होता है आपका, रैंसमवेयर आपके एक बार फिर से बता देते हैं, रैंसमवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि सिस्टम को हैक कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट की डिमांड की जाती है, जब तक वो डिमांड वाला अमाउंट उनको चुकाया नहीं जाएगा
तब तक कि वो आपके सिस्टम को रिलीज नहीं करते हैं, और वहां पे मैसेज आने लगता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी वहां पे काम करने से चीजों को मना कर देता है, उसे हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पूफिंग की और फिशिंग की। तो क्या होता है स्पूफिंग, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें स्पूफिंग, देखिए स्पूफ का मतलब क्या होता है, आपको मिसगाइड करना। स्पूफ का मतलब क्या होता है, मिसगाइड करना, मतलब आपका किसी तरीके से आपको भ्रमित करना। भ्रमित करके आपकी जब इंफॉर्मेशन को आपसे चुराया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं स्पूफिंग। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं आपको फेक कॉल करी जाती है, बैंकिंग आईडी से आपको मेल की जाती है, आपसे कहा जाता है आपकी इतने की लॉटरी लग गई है, अपना आप डिटेल भेज दीजिए, या फिर आपको जैसे होता है कि सर आपकी लॉटरी लगी है, आपका ये अकाउंट नंबर विन हुआ है, आप जीते हो, आपको ये करना है, आपको वो करना है। इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं जहां पे आपको मिसगाइड किया जाता है, वो वाली एक्टिविटीज को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा साइबर अटैक जहां पे आपको मिसगाइड करके आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपसे चुरा लिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपके सिस्टम में से, आपके द्वारा किसी भी तरीके से, फोन के द्वारा, कॉल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, वेबसाइट्स के द्वारा, कैसे भी करके अगर चुराया जाता है तो उन सारी चीजों को हम कहते हैं स्पूफिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिशिंग की, तो देखिए फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग का मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फिशिंग होता है वर्ड, यानी जहां पे चारा डाल के या दाना डाल के मछली फंसाई जाती है, ऐसे ही फिशिंग अटैक में क्या होता है, आपका किसी तरीके से ऐसा दाना डाला जाता है कि उनका कोई भी क्लाइंट फंस जाए और अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर दे। यानी एक तरीके से ऐसा किया जाता है कि सपोज एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी जाए, एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी गई, यानी मान लेते हैं www.sbii.co.com हमने लिख दिया। एक्चुअली में आपको लग रहा है कि एसबीआई की वेबसाइट है, आप ध्यान नहीं देते हो, पर यहां पे क्या हो गया, एसबीआई आई लिखा हुआ है, डबल आई, और ऐसा कोई एसबीआई तो नहीं है। अगर हम मान लें स्टेट बैंक की बात कर लें तो क्या स्टेट बैंक की ये वेबसाइट है, नहीं, स्टेट बैंक की ये वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो धोखे से हो सकता है आपको ये वेबसाइट दिख जाए और आप इस वेबसाइट का इंटरफेस एकदम वैसा ही दिखाई दे जैसा sbi.com का होता है। तो आप क्या करोगे, धोखे से इस वेबसाइट पे जाकर के अपने आईडीज, पासवर्ड, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कर दोगे। आपको लगेगा ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर के इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पर एक्चुअली में आप फेक वेबसाइट पे दे रहे हो। तो इस टाइप के अटैक को जहां पे आपको ट्रेस करके, आपको ट्रैप करके, जहां पे आपको ट्रैप करके आपके इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है, उसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक। उसे हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक। अब हम बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग का मतलब होता है किसी भी कस्टमर या किसी भी पर्सन की डिटेल को बिना उसके इंफॉर्मेशन के चुरा लेना ही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। और हैकिंग करने वाले पर्सन को कहा जाता है हैकर। क्या कहा जाता है उसे, हैकर। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि हैकर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए हैकर्स हमारे बनते हैं तीन टाइप के। पहला कहलाता है व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर। दूसरे हमारे बनते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स। और इन दोनों के मिड में तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर, ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स। अब देखिए इन तीनों में डिफ्रेंशिएट क्या होते हैं, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं इन्हें ही हम एथिकल हैकर भी कहते हैं, ठीक है, एथिकल हैकर भी कहते हैं। एथिकल का मतलब क्या होता है, जिनका अपना ईमान होता है, जो कि अपनी लिमिट्स में जाकर के चोरी करते हैं, उसको हम कहते हैं एथिकल हैकर। यानी अब आप एक बात समझिए, हैकिंग का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि आपके घर में ताला तोड़ के अंदर घुसना, आपकी चीज़ों को उठा लेना, हमारा कहलाता है हैकिंग कहलाता है। बट अगर ताले वाली कंपनी किसी पर्सन को हायर करती है और कहती है कि ताला तोड़ के दिखाओ अपनी ताले की मजबूती को चेक करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरीके का ताला तो वो तोड़ रहा है, बट बात ये है कि वो ताला तोड़ रहा है उस पर्सन की मर्जी के लिए। यानी जब कभी भी किसी भी कंपनी का डेटा को चुराया जाता है परंतु उस पर्सन के कंसर्न के साथ, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स या फिर एथिकल हैकर। यानी किसी की इंफॉर्मेशन को उसकी मर्जी से चुराना कहलाता है आपका व्हाइट हैट हैकर्स। अगर बिना मर्जी के चुराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना क्या कहलाता है आपका, ब्लैक हैट हैकर्स, बिना उसकी मर्जी के। ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं, देखिए ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जो व्हाइट हैट हैकर्स अपना काम करते 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 अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स बन जाते हैं। उनका पर्पस तो था कि वो देश के लिए काम करें या एथिकल काम करें या किसी काम के
किसी पर्पज से काम करें पर अपने लिमिट को क्रॉस करते हुए ब्लैक हैट हैकर्स बन जाते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है ग्रे हैट हैकर्स में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन अपने काम को करने के लिए किसी कंपनी का वेबसाइट के डेटा को हैक कराती है तो वो हैकर कहलाएगा आपका एथिकल हैकर्स। अगर कोई पर्सन चोरी करने के लिहाज से किसी की चोरी करता है तो वो कहलाएगा ब्लैक हैट हैकर्स। बट अगर किसी पर्सन को चोरी करने के लिए किसी पर्सन को या किसी हैकर को हायर करे और कहे कि आप इंफॉर्मेशन चुराओ, पर वो चुराते 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 ज्यादा इंफॉर्मेशन चुरा ले जाए, अपने लिमिट से ज्यादा इंफॉर्मेशन चुरा ले, तो उसे हम कहेंगे ग्रे हैक हैकर्स। तो ये थे हमारे हैकर्स। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी वायरसेस की। वायरसेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को लॉस करते हैं, परंतु ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब आप इन्हें ट्रिगर करोगे। सेकेंड हमने बात करी वॉर्म्स की। वॉर्म्स का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद की रेप्लीकेट कॉपीज कर लेते हैं, बहुत सारे कॉपीज कर लेते हैं या रेप्लिका बना लेते हैं बिना आपकी मर्जी के और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वॉर्म्स। थर्ड हमने बात करी थी ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स होता है यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। फिर हमने बात करी थी स्पूफिंग की। स्पूफिंग में हमने बात करी थी जहां पे फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आपकी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराया जाएगा, उसे स्पूफिंग कहते हैं। फिशिंग क्या होता है, किसी तरीके से ट्रैप में डाल करके आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना, फिशिंग कहलाता है। एडवर्ड्स में बात करी थी हमने एडवर्टीजमेंट वाले सॉफ्टवेयर की जो कि आपके सिस्टम को लॉस पहुंचाते हैं या फिर आपके काम में स्लो करते हैं। इसके अलावा स्पाइवेयर की बात करी थी यानी वो जो कि इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी की लॉगर्स की जो कि आपके कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा हमने बात करी हैकर्स की। हैकर्स होते हैं तीन टाइप के, ग्रे हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स को ही एथिकल हैकर कहा जाता है, ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जो आपकी अपने हैकिंग करते करते समय लिमिट को क्रॉस कर लें, उन्हें हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। एंड जो प्योर पैसे के लिए हैकिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। सो यहाँ पे ये वीडियो होता है एंड। ये था उसका पूरा समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेकर के आएंगे नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल्स। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।